दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल न्यूज जानकारी में। आज हम आपको बताएंगे नागरिकता संशोधन कानून पर हर सवाल का जवाब। तो दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया है, सही बनाया है या गलत बनाया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हर दिन इसी तरह से जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए जानते हैं नागरिकता संशोधन के बारे में। आज मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल CAB पेश किया है। नागरिकता संशोधन बिल CAB लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है। CAB के कानून बन जाने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में BJP के सभी राज्यसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पास करवाने के लिए बहुमत आंकड़ा 121 है। BJP मोटे तौर पर इस मैजिक नंबर के पार लग रही है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 में केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं के साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए अवैध दस्तावेजों के बाद भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल का पूर्वोत्तर के राज्य विरोध कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के लोग इस बिल के राज्य की संस्कृति, भाषाई और पारंपरिक विरासत से खिलवाड़ बता रहे हैं। नंबर एक, क्या है CAB का प्रस्ताव? नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान को बदलने के लिए पेश किया जा रहा है। नागरिकता बिल 1955 के हिसाब से किसी अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। अब इस संशोधन से नागरिकता प्रदान करने से संबंधित नियमों में बदलाव हो गया है। नंबर दो, CAB के दायरे में कौन आएगा? नागरिकता बिल में इस संशोधन के मुख्य रूप से 6 जातियों के अवैध प्रवासियों को फायदा होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं के साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए अवैध दस्तावेजों के बाद भी भारतीय नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। वास्तव में इससे नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी को सबसे अधिक फायदा होगा। नंबर तीन, इसके दायरे से बाहर कौन रहेगा? भारत के प्रमुख विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार CAB के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है। इसकी वजह यह है कि CAB 2019 के प्रावधान के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। कांग्रेस समेत कई पार्टियां इसी आधार पर नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रही है। सरकार का तर्क यह है कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से इन देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को CAB के माध्यम से सुरक्षा दी जा रही है। नंबर चार, मोदी सरकार का तर्क क्या है? मोदी सरकार कहती है कि साल 1947 में भारत पाक का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। इसके बाद भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई धर्म के लोग रह रहे हैं। पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक काफी प्रताड़ित किए जाते हैं। अगर वे भारत में शरण लेना चाहते हैं तो हमें उनकी मदद करने की जरूरत है। नंबर पाँच, CAB का बैकग्राउंड क्या है? जनवरी 2019 में बिल पुराने फॉर्म में पास किया गया था। CAB वास्तव में राष्ट्रीय जनतंत्र का गठबंधन चुनावी वादा है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2018 में अधिसूचित किया था कि 7 राज्यों के कुछ जिलों के अधिकारी भारत में रहने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसमें भारत की नागरिकता पाने के लिए 12 साल के निवास की जगह अब अवधि 6 साल हो गई है। नंबर 6, CAB का विरोध कौन और क्यों कर रहा है? विपक्षी दल CAB का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। कांग्रेस, तृणमूल, CPIM जैसे दल CAB का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में इस बिल का काफ़ी विरोध किया जा रहा है। नंबर 7, अब क्या विकल्प है? पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों का मानना है कि CAB के बाद इलाके में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी, इससे क्षेत्र की स्थिरता पर खतरा बढ़ेगा। नंबर 8, किन राज्यों पर CAB का सबसे अधिक असर पड़ेगा? CAB का सबसे अधिक असर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर पड़ेगा। भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची में आने वाले पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों को नागरिकता संशोधन विधेयक में छूट दी गई है। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि शामिल हैं, जहां संविधान के मुताबिक स्वायत्त जिला परिषद है जो स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान सभा ने 1949 में इसके जरिए स्वायन जिला परिषदों का गठन करके राज्य विधानसभाओं को संबंधित अधिकार प्रदान किए थे। छठी अनुसूची में इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों का भी उल्लेख किया गया है। इन सभी का उद्देश्य स्थानीय आदिवासियों की सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना है। नंबर 9, भारत की आबादी पर सीएबी का प्रभाव। इस समय 3 पड़ोसी देश से 31,313 लोग भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं। सीएबी से इन्हें तुरंत फायदा होगा। इसमें 25,000 से अधिक हिंदू, 5,800 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी नागरिक शामिल है। यह तो थी नागरिकता संशोधन की खबर। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आप कौन से प्रदेश से हमारे वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह से जानकारी देती रहती हूँ। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।